हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपको बताऊंगी ये प्योर मंडुए की रोटी बनाना। प्योर मतलब इसमें गेहूं का आटा नहीं मिला है और किसी का भी आटा मिक्स नहीं करा है, ये आटा बोल है क्योंकि बेलन से बनने में बेलन से नहीं बनाई जाती है, टूट जाती है बाद में। तो हमने ये पॉलीथीन पन्नी ली है, इसको ऐसे रख दिया है और ये लिया हमने आटा। ये उत्तराखंडी फेमस रोटी है मडुए की रोटी। वैसे तो ये आग में बहुत अच्छी होती है लेकिन अभी मैं गैस में ही बना के दिखा रही हूँ। मैंने भी हाल ही में सीखा है इनको ऐसे बनाना। ये मैंने बनाई पन्नी में फौलिया बना के दिखाई, अब मैं आपको केले के पत्ते में बना के दिखाऊंगी। ये है केले का पत्ता, आप इसे केले के पत्ते में भी बना सकते हैं। आराम से फैलाते जाते हैं इसे। इसमें फैट भी नहीं होता है मडुए में और इसमें शुगर भी नहीं होता है, इसलिए शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी दवाई का काम करता है ये मडुए की रोटी। मडुए का चाहे किसी भी प्रकार से यूज कर लो, शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। एक साइड से हो गई, नहीं दूसरी साइड से, और ये केले के पत्ते में मिलकर दिखाई देंगे आपको। ऐसे थोड़ा टाइम लगता है, बेलन से बनाने में टूट जाती है बार बार, बनती नहीं है। केले का पत्ता हमने ऐसे लिया, केले के पत्ते से हमें ऐसे भी डाल सकते हैं, फिर से आराम से छुड़ा सकते हैं। तो ये हुई एक रोटी तैयार। अब ये जो हमने केले के पत्ते से बनाई थी ये देखिए, अब ये रोटी तैयार हो रही है। इनको ये देखिए, आपके पास ये केले का पत्ता अवेलेबल नहीं हो तो आप ये पन्नी में ही बना सकते हैं इसमें, और ज़्यादा अच्छा उसे केले के पत्ते से रहता है। वैसे वैसे भी बना सकते हैं। चीची केला पत्ता गंदा हो रहा है। गेहूँ की रोटी की तरह पतली नहीं होती ना, इसलिए थोड़ा ऐसे मिला देते हैं। ये बन गई मंडुए की रोटी। ये प्योर मंडुए के बनाने में ऐसे फूलती नहीं है जैसे गेहूँ की रोटी फूल जाती है, ये बहुत बहुत होती है। देखिए ये हुई केले के पत्ते और पन्नी, हमने आपसे आपको दो तरह से बना के दिखाई, ये देखिए। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको भी पसंद है मडुए की रोटी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।